हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 चल रहा था कल बेटा। अपा 1.4 के अपा ने पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट किए थे। ओके बेटा, आज उसको आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा एक एग्जांपल नंबर 5 किसी बच्चे की प्रॉब्लम, अपा उसको भी सॉल्व करेंगे। और 26 का बेटा टेस्ट दिया हुआ है, तो टेस्ट के अच्छे से रिवाइज करते रहो बेटा। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है? कंसीडर द नंबर 4n। एक नंबर आप कंसीड कर लो, स्वीकार कर लो, 4n, 4 की पावर n है बेटा। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। यहां n कोई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन होता है बेटा? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर। आगे बोला चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कहता है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिससे कि जो 4 की पावर n है वो 0 पे एंड होने वाली एक संख्या बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। जैसे 4 की पावर n है, आप n की जगह 1 रख सकते हो, तो यहाँ 4 की 1 4 ही आ गया। देखो 0 पे ये तो एंड नहीं हुआ। n की जगह आप 2 रखो तो 4 की पावर 2 16 होता है, ये भी एंड नहीं। मतलब जैसे ये 6 पे एंड हो रहा है, ये 4 पे एंड हो रहा है, तो ये पूछ रहा है क्या ये कभी 0 पे एंड हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। The given number is 4 की पावर। ठीक बेटा, वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, 4 की पावर n है, 2 into 2 की पावर n, इसके फैक्टर बना लो। तो 4 को तो बेटा 2 into 2 ही लिख सकते हैं, सबसे छोटे फैक्टर जो है, 2 into 2 की पावर n लिख लिया बेटा। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है, क्या 0 पे एंड होने वाले कोई नंबर बन सकता है क्या? तो आपको पता है कोई नंबर अगर 0 पे एंड होता है ना, वो 10 से पक्का डिवाइड होता है। और जो चीज 10 से डिवाइड होती है वो पक्की 5 से डिवाइड होती है। ओके बेटा, और कोई चीज 5 से डिवाइड होती है या कोई भी चीज किसी से भी डिवाइड होती है, उस संख्या का जो फैक्टर है वो 5 होना चाहिए। अगर वो हमें ये चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड होती है नहीं, तो उसका फैक्टर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि 12 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, आप सब जानते हैं। तो 12 के जो फैक्टर है 2 × 2 × 3, तो ये देखो इसके दो फैक्टर में आता है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड में होती है। ओके बेटा, तो इसी तरीके से हमें ये चीज चेक करनी है, तभी हमने इसके फैक्टर बनाए। तो वी वांट टू चेक दैट द नंबर 4 की पावर n ends with the digit 0। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो नंबर 4 की पावर n है, ये क्या 0 डिजिट पे एंड हो सकता है। तो देन दिस नंबर इफ दिस नंबर इज ends with the digits 0, then this number is divisible by 10। अगर ये नंबर 0 पे एंड होता है तो इसका मतलब ये जो नंबर है क्या होगा बेटा, 10 से डिवाइड होगा। और जो नंबर 10 से डिवाइड होता है वो पक्का 5 से डिवाइड होता है। आल्सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। बट वी सी दैट हम देख रहे हैं द नंबर 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 2 की पावर n। वी सी दैट द नंबर 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 2 हैव
ओनली फैक्टर इज टू। इस नंबर में जो फैक्टर है वो केवल दो है, दो के अलावा कुछ भी नहीं है। तो देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता। तो देन दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10। जो नंबर 5 से भाग नहीं होता वो 10 से भाग नहीं होता, और जो 10 से भाग नहीं होता वो कभी जीरो पॉइंट नहीं होगा। तो देन द नंबर 4 की पावर n इज नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है बेटा, तो ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। ओके बेटा, तो सिर्फ ये चीजें समझ के आपको लिखनी है। उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ आई है बेटा। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 5 है चैप्टर नंबर 1 का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है। कल आपने जो स्टार्ट किया था वो इसके पहले पार्ट से किया था, और आपको 5 पार्ट करने के लिए दिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने इनको अच्छे से समझे हैं, और इनमें भी किसी पार्ट में बेटा आपको प्रॉब्लम है तो बेटा जरूर मेरे को बताना, और आपको वो करवा दी जाएगी। यस बेटा, आगे है जो नेक्स्ट नंबर है 23 by 2 के पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो यहां आपको जो नंबर है, आप सोच में पड़ गए होंगे सर ये कैसे नंबर दे रखा, मैं तो नहीं समझ आया। बेटा ये जो नंबर है वो आपको अपने आप फैक्टर करके दे रखा है। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर 2 है वो 3 बार है, 5 है वो 2 बार है। तो अब आपको बताना है कि ये टर्मिनेट है या नहीं है। तो देखो इसके जो फैक्टर है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो जब फैक्टर 2 और 5 होता है तो वो एक टर्मिनेट नंबर होता है। तो वी सी दैट द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। तो हम जो देख रहे हैं, हिंदी में बता दूंगा, वी सी दैट द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। हम देख रहे हैं जो हर के गुणनखंड है वह केवल 2 और 5 में ही है। हम देख रहे हैं हर के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 में ही है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या होगी वह शांत होगी। तो देन दिस नंबर इज टर्मिनेट। ओके बेटा, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा, शांत होगा। ओके बेटा, तो ये है आपका पार्ट नंबर 6। इसी तरह जो 7वां पार्ट है बेटा 129 बटा, ये देखो ध्यान से, ये ऊपर है 129 और नीचे है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो यहां जो नंबर है वो 2 में भी है, 5 में भी है, यहां तक तो ठीक है। इसके साथ साथ किस में है, 7 में भी है। तो ये साथ साथ नहीं होना चाहिए। ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों 5 और 2 हो, इनके अलावा कोई नंबर ही नहीं होना चाहिए। तो वी सी दैट द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2, 5, 2, 5 एंड 7। तो ये जो है वो
जो डिनोमिनेटर है इसके जो फैक्टर है वो 2 में है, 5 में है एंड 7 में है, तो देन दिस नंबर इज ए नॉन टर्मिनेट। तो ये जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देख के हो सकता है अजीब सा लग रहा होगा कि इसको कैसे करना है, पर अब आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको इजी नजर आ रहा होगा। ओके बेटा, तो ये पार्ट नंबर 7 है। इसके बाद जो 8 नंबर पार्ट है वो तो नॉर्मली आगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही जैसे आप नॉर्मली करते हो। ओके बेटा, एक और बता देता हूँ आपको, जैसे पार्ट नंबर 8 है 6/50। तो अगर ये नंबर पहले आपसे कट हो रहा है आप इसको छोटा कर सकते हो तो ये बढ़िया रहेगा। तो आप जैसे 3 पे ये कट हो गया, 2 और ये 5, इस तरह करके करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके बेटा, तो अब आप जाके आगे जानती हो कि इसका जो फैक्टर ओनली किसके टर्म में, 5 में ही है, और 5 में है तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सारे के सारे पार्ट है बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गई है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। कहता है कि जो टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन में थे, जो आपने जिनको आपने टर्मिनेट कहा था, जिनको आपने शांत कहा था, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मतलब दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब पहले क्वेश्चन के जो जो आंसर आपने शांत कहे थे, टर्मिनेट कहे थे, उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना है। तो देखो बेटा, हमें इनको कैसे सोल्व करना है। शायद पहला ही क्वेश्चन टर्मिनेट कहा था आपने, तो ये थोड़ी मेहनत हमें दोबारा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 13/3125। ठीक है बेटा, अब पहले अपन इसको कर रखा है, अपन इसके फैक्टर बनाए थे, याद होगा इसके फैक्टर क्या आए थे, सारे 5 की पावर 5 में आए थे। ओके बेटा, तो ये आप दोबारा भी कर सकते हो पूरा की पूरा मेहनत, हालांकि अपन ये कर रखा है। द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है बेटा, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 3125 5 पे गया 625, दोबारा वो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। 125 5 पे गया 25, 5 पे गया 5 5, 3100 जो 25 है, 5 है वो 5 टाइम आया, तभी अपन इसको क्या कहा था, शांत कहा था, टर्मिनेट कहा था, क्योंकि सारे नंबर 5 में थे। ओके बेटा, इसको मैं 5 की पावर 5 भी तो लिख सकता हूँ, 5 5 बार आया बेटा ना। 13/3125, ठीक है ये था। अब आप बताइए 3125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 5 लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक तो आप पहले भी कर चुके हो, यहां तक कोई नया काम नहीं है। अब जाके जो नया काम स्टार्ट हुआ वो देखो, आपको डिवाइड में क्या है, हमेशा 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा, अब देखो आपके जो आंसर है वो 5 में है तो आप इसको 2 से मल्टी कर दो, और अगर 2 में हो तो 5 से मल्टी कर दो, और अगर 2 और 5 दोनों हो तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, अगर पावर सेम नहीं है तो उसी हिसाब से मल्टी करेंगे। तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको और बताता जाऊंगा। अब यहाँ 5 है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 की पावर, जितनी इसकी पावर उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। देखो 5 है तो इतना तो समझ आ गया कि 2 से मल्टी करनी है। अब जितनी 5 की पावर है ना उतनी 2 की पावर होनी चाहिए, तो 2 की पावर कितनी होगी, 5। हिंदी में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर होता है बेटा अंश, डिनोमिनेटर होता है हर, तो अंश और हर को 2 की पावर 5 से गुणा करने पर। ओके बेटा, अंश और हर को 2 की पावर 5 से गुणा करने पर तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 13/5 की 5 आपने मल्टीप्लाई कर दी 2 की 5, ऊपर और नीचे दोनों करना बेटा। ओके, तो ऊपर वाले को खोल लो आप, ये जो 2 की पावर 5 है इसको खोल लो, तो 2 की पावर 5 मतलब 2 की 5 बार मल्टी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी तरह यहां 5 की 5 है
यहाँ दो की पांच है, तो इनकी मल्टी हो जाती है बेटा। जब पावर इस तरह सेम हो तो पांच दूनी कितना हो गया दस, और पावर उतनी रहती है। दोबारा से देखो, पांच की पावर पांच मल्टी दो की पावर पांच है, तो जब पावर सेम हो तो पांच दूनी क्या हो गया दस, और पावर उतनी रख दो, तो 32 की इससे गुना करेंगे शायद 416 होता है, बाकी चेक कर लेना आप। 10 की पावर 5 मतलब 1 के पीछे 5 जीरो। ओके बेटा, तो क्या आपको डेसिमल बनाना आता है? ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 5 जीरो है, तो क्या आ जाएगा बेटा 0.00416। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है। डन बेटा। इसके बाद जो सेकंड नंबर था वो भी हमारा शांत था। क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब डिवाइड में 10 बनाना है, तो अब क्या 2 है तो किससे मल्टी करेंगे 5 से, तो 5 की पावर कितना बेटा 3, क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 से मल्टी ऊपर भी करना है आपको, और 2 की 3 यहाँ नीचे पड़ा, और 5 की 3 से नीचे भी मल्टी करना है। तो ऊपर वाले तो को हो सकते हैं 5 की पावर 3 मतलब 5 की 3 बार मल्टी, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 दोनों की पावर सेम है बेटा, तो इन दोनों की मल्टी कर दो, 2 × 5 = 10 की पावर 3। ओके बेटा, तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं है क्या आएगा। 17 × 5 = 85, असल में 8, 17 × 2 = 34, और 8 कितना हो गया 42, असल में 4, 17 × 17 और 4 कितना हो गया 21, और 10 की 3 मतलब 1 के पीछे 3 जीरो। तो क्या आपको डेसिमल लगाना आता है बेटा? तो 3 अंक छोड़ के तो 2.125। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बेटर और बढ़िया समझ आ रही है। इसके बाद है बेटा जो थर्ड पार्ट है वो तो अशांत था बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग था। ओके, तो उसको तो सोलो करना ही नहीं है, सोलो केवल उन्हीं को करना है जिसमें आपने टर्मिनेट आंसर दिया है, तो टर्मिनेट दिया है उनको सोलो करना है। ओके बेटा, तो जो टर्मिनेट दिया ही नहीं है उनको आपको नहीं सोलो करना है। नेक्स्ट है 4/15/1600, तो फैक्टर ऑफ 1600 के करने बेटा, तो 1600 को सोलो करो, 2 × 800, 2 × 400, 2 × 200, 2 × 100, 2 × 100, 2 × 50, 2 × 25, आगे 5 पे जाएगा 5, 5, 1। ठीक बेटा, तो आप बताओ 1600 जो है वो 2 आ रहा है काफी बार, 2 × 2 = 4, 6 बार आ रहा है, और 5 भी 2 बार आ रहा है। ओके बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ 1600 ये बना है सारा 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में है, तो जो 15/1600 है उसको क्या लिख सकता हूं, 2 कितनी बार आया बेटा 6 बार, और 5 कितनी बार आया है 2 बार, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। 1600 को 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है बेटा। अभी मैंने क्या बताया था कि पहले क्वेश्चन में 5 था तो अपन 2 से मल्टी कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में 2 था तो 5 से मल्टी कर दिया, अब तो दोनों ही है 2 और 5, पर एक बार ध्यान से देखो दोनों की पावर अलग अलग है, तो दोनों की पावर सेम करो, तो यहाँ 6 और यहाँ 2 है, इसमें 4 प्लस करनी पड़ेगी, और ये कौन है 5, तो 5 की पावर 4। ओके बेटा, तो मल्टी डिवाइड इसी से करना है, तो 15/5 की 4 से मल्टी कर दिया, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो ऊपर वाले को तो खोल देते हैं, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, 2 की पावर 6 पड़ा है, यहाँ देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बेस एक जैसा है तो पावर जुड़ जाता है बेटा, 2 और 4 कितना हो गया 6,
अब ध्यान से देखो क्या दोनों की पावर सेम होगी, तो ये तो करना चाहते थे अपन, इनकी इससे मल्टी करो, 15 × 5 = 75, असल में 7, 15 × 2 = 30 और 7 = 37, असल में 3, 15 × 6 = 90 और 3 = 93, और ये 2 की भी 6 और 5 की भी 6, तो मल्टी करो, 2 × 5 = 10 की 6 और 10 की 6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो। क्या आपको डेसिमल लगाना आता है बेटा? तो 0.00937 ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि अब आपको ये सारे तरीके समझ आ गए हैं, क्योंकि मैंने वो भी सोलो कर दिया जहां अकेला 5 होता है, मैंने वो भी सोलो कर दिया जहां अकेला 2 होता है, और मैंने वो भी सोलो कर दिया जहां 2 और 5 दोनों होते हैं, तो इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनना नहीं है। ओके बेटा, तो आज जो आपको इसके जो सेकंड क्वेश्चन के जितने भी आपने टर्मिनेट किए थे सारों को इस तरीके से कन्वर्ट करना। ओके बेटा, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जितने भी टर्मिनेट है वो सॉल्व कर लेना, और आपसे कोई पार्ट ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना कि सर हमसे ये पार्ट नहीं हुआ, तो आपको वो करवा दिया जाएगा। तो इसके जितने भी आपने 6-7 पार्ट जितने भी टर्मिनेट कहे थे सरों, मैंने तीन ही तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके बेटा, या तो ओनली 5 की टर्म में होगा तो 2 वाले से मल्टी कर दिया था, या ओनली 2 की टर्म में था तो 5 वाले से मल्टी कर दिया था, या 2 और 5 दोनों थे तो इस तरह पावर एक जैसा करने कर दिया। ओके बेटा, तो अब बचे हुए जो पार्ट टर्मिनेट है जो शांत है उनको आपको सॉल्व करना है। अब रही बात आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। The following real number have decimal expression as given below. आपको कुछ real number दे रखे हैं, वास्तविक संख्या दे रखी हैं, जो कि decimal form में, जो कि point वाली form में हैं। In each case, decimal whether they are rational or not. तो हमें ये बताना है कि ये rational है या नहीं, rational मतलब प्रमेय है या नहीं है। If they are rational, अगर वो rational है, प्रमेय है, and of the form of p/q, क्योंकि rational है उसको p/q की form में लिखा जा सकता है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे? तो सीधी सी बात है, हमें ये बताना है कि इनमें से रैशनल कौन है और इरैशनल कौन है। ओके बेटा, तो जो पहला नंबर है 43.12345678 9, इस नंबर को हमें बताना कि रैशनल है या इरैशनल, प्रमेय है या अप्रमेय। आप बताओ बेटा, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 9 डिजिट है, आपको पता है ना, तो बटे में आप 9 जीरो लगा के 1 के पीछे काम चला सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के पीछे 9 जीरो लगे। तो क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया, तो ये रैशनल बन गया। तो इस तरह का जो नंबर होगा वो क्या होगा? रैशनल होगा, जिसको सीधी सी बात है डिवाइड में लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में बना सकते हैं। देखो ये इस तरह अपन ने सॉल्व किया हुआ पहले भी, तो जिसको इस तरह के फॉर्म में बना सकते हैं वो रैशनल है। नेक्स्ट बेटा 0.120 1200 12000, आगे और 4 जीरो बन जाएगी, डैश डैश। क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। फिर ध्यान से देखो, यहाँ 1 जीरो आ रहा था, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, ये तो बढ़ता ही जाएगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो नंबर है वो इरैशनल है, अप्रमेय है। ओके बेटा, इसी तरह एक आखिरी पार्ट है 43 पॉइंट, यही है बेटा सेम, इसके ऊपर बार लगा दिया। याद करो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इस तरह किसी भी नंबर के बार लगा होता है आप उसको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके रैशनल बना सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो रैशनल होगा। ओके बेटा, 9th में आपने किया था, अगर ना आपको याद है तो बता देना बेटा। तो बार वाले का नंबर बार बार रिपीट तो होगा, पर इसको किसी से मल्टीप्लाई आप जब करके, याद करो 0.6 के ऊपर बार था, उसको आपने सोल्व किया था 9th में, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो बार वाले जो क्वेश्चन है हालांकि बार बार रिपीट होंगे, पर हमें ये पता है, देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ 1 जीरो आया, 2 जीरो आया, 3 जीरो आया, 4 जीरो, ये रिपीट नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ रहा है, और ये सेम नंबर बार बार आएगा, तो इसको किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके काम चलाया जा सकता है। ठीक है बेटा, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने ही जीरो 1 के पीछे लगा के मल्टीप्लाई करके काम चला लेते थे अपन। तो इस तरह का जो नंबर होगा वो रैशनल होगा, प्रमेय होगा, और इस तरह का जो नंबर होगा वो इरैशनल होगा। ओके बेटा, तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 1.4 है वो कंप्लीट हो गई है, और आज आपको यही करना है। ओके बेटा, तो ये कर लेने से हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1.4 में कोई एग्जांपल नहीं है बेटा। तो अच्छे से बेटा 1.4 और चैप्टर नंबर 1 को अपनी पेपर कॉपी में करना है आपको।
अब रही बात रिवीजन की, चैप्टर नंबर 6 की, तो रिवीजन में हम कर रहे थे बेटा 6.4 पे थे शायद, 4 अपने कर ली थी, कर ली थी बेटा, ओके। तो आज अपन इसके एग्जांपल करेंगे, तो इसमें शायद एग्जांपल 9A की है बेटा, तो एग्जांपल नंबर 9 आपको रिवाइज करना है, और आगे आ जाओ 6.5 में आज आप 4 क्वेश्चन कर लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ओके बेटा। तो आज आपका रिवीजन वर्क है वो एक तो एग्जांपल नंबर 9 है जो कि 6.4 में है, और 6.5 के पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा ये 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जितनी आपकी हेल्प हुई रिवीजन में करवा दूंगा, उसके बाद भी कोई वर्क बचता है तो आपको साथ साथ करते रहना है, ओके बेटा। तो 6.5 के 4 तक ये जो वर्क दिया है दोनों मीडियम का कंबाइन है बेटा, और जो करवाया है वो भी कंबाइन है, जो रिटर्न करना है और रिवीजन करना है, ओके बेटा। थैंक यू, कर लेना इस वर्क को।